गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो के पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात कुछ दिन पहले की है और एक सच्ची दास्तां भी है जो मैं आप सबके सामने पेश करने जा रही हूँ। ये बात बिक्की सिंह की है जो अभी 35 साल का है और पंजाब का रहने वाला है। अब बिक्की सिंह की बात आगे उसी के जुबानी सुनते हैं। बिक्की कहता है, मेरी बहुत सारी लड़की दोस्त रह चुकी है, या यूं कहे तो बहुत सारी लड़कियां मुझे अपनी यार बना चुकी है। खैर उसके बाद तो मेरी शादी हो गई और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही अच्छी थी। मेरी बीवी का नाम है सरजीत कौर, वो रंग की गोरी है, उम्र 32 साल है, उसकी हाइट बताऊँ तो यही 5 फीट 4 इंच। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि शादी से पहले भी उसके कई यार रह चुके हैं, वैसे गर्लफ्रेंड्स तो मेरी भी थी तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये सब शादी से पहले की बात थी। मगर अब तो शादी हो चुकी थी ना और हम बेहद ही खुश थे। मेरी बीवी एक बहुत ही अच्छी हाउसवाइफ थी, उसने शादी के अलावा मेरे छोड़ मुझे कभी धोखा ना दिया था। ऐसे ही हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे। एक बार की बात मैं आप सबको बताता हूँ। मेरी बीवी सिमर की सहेली हमारे घर आई। हमारे घर ही गांव के पास वाले गांव में रहती थी, मतलब हमारे गांव के पास वाली गांव में वो रहती थी। उसका नाम प्रीत, वो भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लग चुकी थी मगर सीमर को ये बात पता नहीं थी। प्रीत का रंग सीमर से हल्का सांवला ही था। उस दिन वो मेरे घर आई और आकर सीमर को कहने लगी, दीदी मेरे साथ शहर चलो ना, मुझे शहर में कुछ कपड़े लेने हैं और डॉक्टर से दवा भी लेनी है। पर वो डॉक्टर प्रीत का यार था, ये बात सिमर ने मुझे बाद में बताई। सिमर मुझे कहने लगी, आज आपकी छुट्टी है तो आप तो घर ही पर हो, मैं प्रीत के साथ शहर चली जाऊं क्या? पहले तो मैंने उसे कहा, नहीं यार मत जाओ। फिर मैंने देखा उसे भी शहर जाने का मन था, प्रीत भी बार बार कह रही थी तो मैंने हाँ कह दी। मैंने कहा पर जल्दी आ जाना। वो खुश हो गई और वो प्रीत के साथ जाने को तैयार होने लगी। उधर प्रीत भी तैयार होने लगी। करीब दिन के 10:30 बजे के करीब प्रीत की गाड़ी में बैठ वो शहर चली गई और फिर दोपहर के 2:30 बजे के लगभग वो वापस आई। मैंने देखा तो प्रीत सीधा अपना घर चली गई और सिमर को घर छोड़ आई, मतलब प्रीत जाते वक्त हमारे घर ना आई थी। सिमर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसका चेहरा देखा, काफ़ी खुश लग रही थी मगर फिर दुखी भी मालूम हो रही थी। कुछ तो मामला ज़रूर था मुझे ऐसा लगा। मैंने भी पूछा क्या हुआ, तो वो कहने लगी, बहुत थक गई हूँ आज, बाजार में घूमते घूमते परेशान हो गई। मैंने कोशिश की लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। फिर शाम हो गई और हम रात को खाना पीना खाकर सोने चले गए। मुझे अभी तसल्ली नहीं हो रही थी। हम सोने के लिए गए थे, सिमर और मैं बेड पर लिटे हुए थे और फिर सिमर बोली, सुनो जी आपसे एक बात कहूँगी, अगर आप गुस्सा नहीं करोगे तो। मैं बोला, हाँ कहो क्या बात है। वो बोली, पहले आप मेरी कसम खाओ सिर पे हाथ रख के। मैंने कहा, हाँ लो खा ली कसम, अब बताओ तो भला बात क्या है। वो बोली, असल में आज जब मैं बाजार गई थी ना तो वहाँ पर। मैंने कहा, वहाँ पर क्या? तो उसने कहा, समझ जाओ ना। उसकी बात सुन के मेरा दिमाग मानो खराब हो गया, मैं उसे मारने लगा। फिर वो चिल्लाने लगी तो मैंने सोचा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसने सच तो बता दी, अब जो होना था हो तो गया। फिर मैंने उसे कहा, ठीक है बता दो आखिर हुआ क्या है। वो बोली, क्या हुआ? वो चुप रही। फिर वो बोली, बताओ कि मैं जब बोला तो। वो बताने लगी।
डॉक्टर जो हम दिखाने गए थे प्रीत का, वो असल में डॉक्टर प्रीत का बॉयफ्रेंड था। मैंने बोला अच्छा आगे बताओ। वो बोली जब हम बाजार पहुँचे हम सूट खरीदने लगे, वहाँ काफ़ी भीड़ थी, प्रीत मेरे साथ चल रही थी तो पीछे कोई था और बार बार इधर उधर घूम रहा था। उसे देखकर मुझे लगने लगा कुछ तो बात जरूर है। मैंने देखा पीछे 45 साल का आदमी था, वो दरी चादर बेचने वाला था। फिर वो हमारा पीछा कर रहा था, हम एक दुकान में गए, चादर वाला बंदा चला गया लेकिन वो दूसरा बंदा जो और एक था वो हमारे पीछे पीछे आ गया और वो अक्सर मेरे पीछे पीछे ही घूम रहा था। मैंने उसे पीछे मुड़कर देखा तो वो डर गया और धीरे से फिर प्रीत के पीछे जाकर खड़ा हो गया। प्रीत ने भी कुछ नहीं कहा और फिर हम उसे देख रहे थे और वो हमारा पीछा ही कर रहा था। फिर हम सूट लेकर डॉक्टर के दुकान पहुंच गए। मैंने कहा फिर क्या हुआ बताओ तो। तो कह रही सुनो जी बता ही तो रही हूँ, मेरी पत्नी ने आगे कहा। फिर हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे डॉक्टर के साथ प्रीत का कोई सीन पहले से फिक्स था। उसने मुझे बाद में बताया कि उसने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था। जब हम डॉक्टर के यहाँ पहुँचे वहाँ पर पहले से एक दो मरीज बैठे थे, उनको जल्दी जल्दी दवा देकर उसने हमें अंदर बुला दिया। इतने में वो बंदा जो हमारे पीछे था हमें फॉलो कर रहा था वो भी दुकान में आ गया और डॉक्टर उसको देख बोला अरे भाई गुज्जर सिंह क्या हाल है। फिर उसने मुझे देखा और बोला हाल तो बढ़िया है। उसके बाद वो डॉक्टर के साथ अंदर चला गया। अंदर जाके दोनों ने पता नहीं क्या क्या बात की। फिर वो दोनों हंसते हंसते आए और प्रीत को डॉक्टर ने अंदर बुलाया। डॉक्टर प्रीत को कहने लगा कि गुज्जर को तेरी फ्रेंड से कुछ बात है। प्रीत मना कर दी कि ऐसा नहीं होगा, अगर कुछ भी बात है मुझे बता दो। डॉक्टर बोला ऐसा नहीं, तेरी फ्रेंड से ही बात करना है, अगर वो बात नहीं करेगी तो फिर। उसके बाद प्रीत मेरे पास आई और सारी बात बताई। पहले तो मैंने मना कर दिया लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी लगा आखिर क्या बात है जाननी चाहिए। फिर मैंने हाँ कर दी तो डॉक्टर ने अपनी दुकान की शटर गिरा दी और बाहर दुकान बंद होने का बोर्ड लगा दिया। फिर प्रीत मुझे ऊपर ले गई, वहाँ पे डॉक्टर का बेडरूम था और फिर वहाँ पर जाकर वो जो गुज्जर सिंह था उसके साथ मैं वहाँ पर काफ़ी देर तक बात की। वो आप समझ रहे हैं फिर क्या हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी पत्नी ने ये सारी बातें बताई। अब वो मेरी पत्नी थी, जो हुआ हुआ, कम से कम वो सारी बातें मुझे बता तो दी, मुझे इस बात की तसल्ली थी। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं। फिर मैंने उसे कहा कि देख अगर ऐसा कुछ है तो मुझे भी सुन एक बात, आज के बाद मैं भी किसी से रिश्ता रखूं, तुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तभी मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। उस बात पर वो हाँ बोल दी मेरी पत्नी। उसके बाद मेरी ज़िंदगी फिर पहले जैसा चलने लगी। दोस्तों ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। कैसी लगी कहानी ज़रा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा हाँ एक बात बताना था, कुछ दिन से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं अक्सर कि आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। मैंने 2-4 बार अपना देखा ऑडियो वीडियो, मुझे तो वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो की क्वालिटी सही लगी। अगर आपको यह ऑडियो सुनने में या वीडियो सुनने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी कुछ और भी अच्छे से वीडियो एडिट करके आप सबके सामने लाऊँ। टिल देन इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।